हेलो रोन एंड माय सिटीजन गेन, वेलकम बैक टू एंड वीडियो ऑन द चैनल। आज हमारी क्लैश रॉयल में पहले क्लैश रॉयल वीडियो विद कमेंट्री। लेट्स गो, कम ऑन। अच्छा 5308 हमारे ट्रॉफी हैं, जस्ट खोल लेते हैं। हाउ ग्रेट यस हमें चाहिए। ओह आज तो दो दो खुले हैं। कॉमन तो कॉमन वाइल्ड कार्ड बॉलर वट एवर, जस्ट कॉमन टोकन्स हम अपने यूज़ करते हैं। वो अब अभी तो यूज़ नहीं कर सकते। रेयर टोकन्स आइस गोलम पे लगा देते हैं। अच्छा तो आज असल में नई मेंटेनेंस आई और यहाँ से ट्रिपल एग्जिट चलेगी, ड्राफ्ट बैटल आ गई। तो क्योंकि यहाँ ड्राफ्ट बैटल आई है, अब मैं सोच रहा हूँ कि हम ड्राफ्ट बैटल्स खेलें थोड़ी सी, क्योंकि अगर मैंने इन ट्रॉफीज पे अगर लैडर पुश करने की कोशिश की तो मैंने बुरी तरह मरना है। तो डेक बदलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ड्राफ्ट बैटल है, और शुरू करते हैं गेम में। तो ओके, बैंडेड मोटर कौन लेता है? उसके अलावा क्योंकि हमारे पास बैंडेड और हमने उसको मोटर लिया, हम लाइटनिंग ले लेते हैं। मदरविच कौन नहीं लेगा, इंतहाई ओवर पावर्ड कार्ड है मदरविच। अब देखते हैं गोब्लिन, हमने उसे गोलम दिया है लेकिन हमारे पास इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें होंगी। मिनियंस हैं, मदरविच है, स्पीड गोब्लिन्स हैं, गोलम आराम से मर जाएगा। मुझे पता है गोब्लिन जाइंट यहाँ से नहीं भेजना चाहिए, लेकिन बट एवर नहीं, हाँ सही है, बल्कि नेवर माइंड दैट। अच्छा ये मैंने थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दिया होगा इस पुश को, लेकिन वट एवर। अच्छा इसने हमें दो दो बिल्डिंग्स दी और इसने हमें गोब्लिन ड्रिल दी, लाइक हम अभी से कह रहा हूँ हम जीत गए हैं। नो वे विड लूज। लस्सी मदर विच जब ओ माई गॉड, ओ वाओ, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे बदर विच दे के, अच्छा इतने रॉयल हॉग्स तो नहीं हॉग्स हैं कि इनको रोक नहीं सकते। बस दिस वॉज द लास्ट पुश, ये गोब्लिन ड्रिल भेजने की ज़रूरत नहीं थी मुझे यहाँ पे, मैंने वैसे ही अलग से ज़ाया किया है। वट एवर, अच्छा ठीक है, अभी बस उसकी गोलम पुश को हमने किसी तरह अवॉइड करना है। गोब्लिन ड्रिल इंतहाई ओवर पावर्ड है, सबको पता है। गोब्लिन ड्रिल, इलेक्ट्रो जायंट और मदरविच, ये इंतहाई ओवर पावर्ड कार्ड्स हैं अभी। तो अभी हमारे पास कुछ करने को नहीं है। स्पीड गोब्लिन पीछे से साइकिल करते हैं। इसने गोलम इस साइड से भेजा तो हम इसी साइड से पुश बनाएंगे ताकि हमारी मदरविच अपनी पूरी पोटेंशियल दिखा सके। अच्छा, अभी गोब्लिन केज नहीं रखते, अब रखते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया, तो यहाँ एक और बिल्डिंग रख देते हैं। इसने गोब्लिन गैंग बड़ी गलत जगह पे फेंका है ताकि सारा राइट पे आ जाए। बस हॉगलिन हॉग क्यों नहीं निकला? अच्छा अभी नहीं रखता के। अच्छा मेरे पास दो चॉइसेस हैं। हाँ ओ नो, शूट, मदर विच को बचाना था सिर्फ, और कुछ नहीं, बस मदर विच को बचाना था। ओके लेट्स सी, जीत गए। मैं तुम लोगों से पहले कह दिया था कि हम लोग जीत जाएंगे, मजाक नहीं है। मुझे इस गेम में कोई नहीं हरा सकता ड्राफ्ट बैटल में, एक्सेप्ट फॉर ओजे ऑफ कोर्स। उसका भी एडिटिंग स्टाइल मैं चेक करूँगा ऑरेंज जूस का, और अपनी वीडियो में लगाने की कोशिश करूँगा जितना हो सकता है। अब मेरा कोड तो नहीं है कोई, मैं चेक करता हूँ कोड वाला भी क्या सीन है। अच्छा एक ड्राफ्ट बैटल होगी, दूसरी ज्वाइन करते हैं। टीयर 35 तो मैंने आई थिंक 15th डे पे पहुँच गया था। आइस गोलम फायर स्पिरिट कौन लेता है? उसके अलावा क्योंकि हमारे पास आइस गोलम है, हम उसके इन्फर्नो ड्रैगन को काउंटर कर सकते हैं। मैजिक आर्चर मारा हुआ, फिर हंटर के लिए हम फायर क्रैकर लेंगे, फायर क्रैकर बहुत ओवर पावर्ड है। ठीक, और वो रॉकेट, नहीं, एक मसला हो जाएगा। अनवर्टन लकी बट एरोज हमें लेने पड़ेंगे, वरना हमारी फायर क्रैकर का कोई फ़ायदा नहीं आएगा। नाइस, हमने उसे रॉकेट दे दिया। खैर है। अच्छा वो भी राइट साइड से खेल रहा है। ओह नाइस, उसने अपना रॉकेट ज़ाया कर दिया।
लाइक नेगेटिव एलेक्जिट रेट बहुत बुरा था ये रॉकेट, उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अच्छा अब इस हंटर को जूक करते हैं। और हम जीत गए हैं, बस अभी से जीत गए हम लोग इस पुश पे, हमने जीत जाना। ओ ओ अच्छा बॉम्बर, स्ट्राइक रख के बड़ा थोड़ा मसला हो गया था, लेकिन चलो खैर है। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। ओके ओके ओके। अच्छा अब क्या करें? हाँ अब मैं इसको करने लगा हूँ बेट। किस चीज़ को मारेगा ये? नाइस, बस बेट होगी। नहीं बॉम्बर नहीं रोक पाएगा, बाय बाय। बस दो हिट्स, हाँ तीन लगी हैं, चलो ये भी सही है। फ्लाइंग मशीन इंशाल्लाह माइन। ओह नो नो नो, ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये प्रॉब्लम। उफ यार बॉम्बर बहुत गंदा डैमेज करता है अगर एक बार लग जाए तो। अभी उसको नहीं पता कि हमारे पास, ओ नहीं उसी ने हमें लावा हॉर्न दिया, तो चलो यार ये फ्लाइंग मशीन गंदी चीज है। अच्छा ओहो ओहो यार, ओ अब देखते हैं उसके पास इसके लिए। ओ वाओ रॉकेट, वाओ देखिए। मुझे नहीं लगता उसके पास एयर के लिए कुछ है। ओ नाइस नाइस, हम अभी से जीत गए। ओ वाओ 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 वाओ, मैजिक आर्चर अमेजिंग यार, नाइस। अच्छा पीछे से बड़ी सी पुश बनाते हैं क्योंकि हमने इसको 3 स्टार करना है। बच गए। ओ ये मरा नहीं टावर अभी तक, ये मरा क्यों नहीं अभी तक? कमान कमान, हेलो नाइस। ओह लगता है कि हम 3 स्टार नहीं कर पाएंगे, चलो 2 स्टार ही सही। ओहो मैं टॉक्सिक ही हूँ ना। वेल प्लेड गुड गेम, जी जी यार नाइस। इसी तरह जीतता रहता हूँ यार, बस मैं पूरे दिन क्या करूँ। लेकिन लैडर में अब ओवर लेवल कार्ड्स के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता, तो लैडर पुश की वीडियो मैं तो कहता हूँ कि आखिरी सीज़न के आखिरी 10 दिन, अभी कितने दिन रहते हैं? 15 दिन रहते हैं, चलो आखिरी 10 दिनों में मैं सही लैडर पुश करूँगा। क्योंकि आप देख लो, अगर मैं अपने क्लैन में जाऊँ 16 नंबर पे हूँ, अगर मैं 15 नंबर की ट्रॉफीज देखूँ, आप देखो सारा कुछ लेवल 13 है, और मैं इन कार्ड्स के साथ उसके लेवल पे आया हूँ। क्या करूँ यार प्रोम। अच्छा चलो चलो जल्दी जल्दी, बैटल टाइम नहीं जाएगा ना। अच्छा तीन मैजिक आर्चर, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा इस बार मैं इन्फर्नो ड्रैगन लूँगा क्योंकि उसके स्पेयर गॉब्लिन्स का हमारे पास है काउंटर। अब फायरबॉल हमें लेनी पड़ेगी क्योंकि इन्फर्नो ड्रैगन को पॉइजन ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। अब चूंकि हमने फायरबॉल ली है, हम उसे दे सकते हैं बैटल रैम, जो कि हम उसे ही देंगे। क्योंकि अगर मैं उसे रॉयल जान देता तो ये मेरे लिए बहुत बुरा होता। जापानीज प्लेयर है, लेट्स सी व्हाट ही इज गॉट। मैं बहुत रेकलेस पुश किया है। ओ ओ यार, अगर थोड़ी सी और लैग होती तो मेरे बैक आके हिट लग जाती लाइक। अच्छा ठीक है, अभी उसे नहीं पता कि हमारे पास रॉयल जायंट है, ये उसके लिए बहुत बड़ा शौक हो सकता है क्योंकि उसने अपने स्पेयर गॉब्लिन्स भी ज़ाया कर दिए हैं। अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या मैं इन्फर्नो ड्रैगन करूँ या फायर बॉल उसकी फायर क्रैकर को। फायर बॉल इट इज। ओ हाँ काउंटर हो जाएगा, नहीं होएगा काउंटर।
उस बंदे ने इलेक्ट्रो जायंट भेज दिया, अब उसके रॉयल, हाँ इलेक्ट्रो जायंट। ओ नो 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 नो, मैं एक चीज़ भूल गया कि इलेक्ट्रो जायंट, ओह नो, देखा मैं क्या कह रहा था, इलेक्ट्रो जायंट बहुत ओवर पावर्ड है। ओ नो नो नो, ओके 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 ओके, लस्सी लस्सी लस्सी, आई थिंक नहीं, हम नहीं हारने लगे, हम नहीं हार सकते। अब देखते हैं ये इस पुश का क्या करता है। इट्स नाउ और नेवर। यार यार, मैंने सारी गेम की वो खत्म कर दी। हम नहीं जीत सकते, हम नहीं जीत सकते, हम नहीं जीत सकते। ओहो, बहुत बुरे नॉट की वीडियो एंड हुई है यार। नाइस नाइस, अच्छा खेला है इसने आखिर में। देखा मैं यही कह रहा हूँ, जिसके पास इलेक्ट्रो जायंट है वो जीत गया। अगर तुम्हारे पास मस्केट गियर या फिर कोई हाई डैमेज एयर रेंज्ड कार्ड साथ एक बिल्डिंग नहीं है, तुम हार गए हो। लाइक तुम नहीं जीत सकते इलेक्ट्रो जायंट से। देखते हैं अगर मेरे पास एक काम का रिप्ले पड़ा है नीचे इलेक्ट्रो जायंट वाला। हाँ ये, अब ये रिप्ले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है, ये आई थिंक लैडर बैटल ही है। हाँ ये लैडर बैटल ही है, मुझे याद है। आप इसके अंदर देखते हैं जब वो इलेक्ट्रो जॉइंट प्ले, अब ये देखें उसने इलेक्ट्रो जॉइंट प्ले किया है। अब आपको एक रेंज्ड कार्ड, एक बिल्डिंग और कम से कम आई स्पिरिट, मतलब ज़रूरी तो नहीं आती, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जिससे इलेक्ट्रो जॉइंट टावर को टच भी मत करे। अगर उसने टावर को टच कर दिया तो बस लाइक काम ख़त्म हो जाएगा, अगर उसके पीछे सपोर्ट ग्रुप्स हैं तो। इतना सही बस रिप्ले आपको मतलब दिखाना था कि इलेक्ट्रो जायंट किस तरह बेस्ट तरीके से काउंटर होता है। इवन स्केलेट्राम या मिनियन हॉर्ड में भेजोगे उसके ऊपर एकदम से मर जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता वो स्प्लैश डैमेज करता है एक तो, और इतने सारे ट्रूप्स को एक साथ मारता है। अभी देखते हैं जरा इन साहब की। टारगेट्स बिल्डिंग रेंज मिली, ठीक, रिफ्लेक्टेड डैमेज 120। ओह नाइस, ये बहुत गंदी चीज़ है इलेक्ट्रो जायंट। और अभी तो बूस्ट भी नहीं हुआ, अगर बूस्ट होता तो मैं लैडर पे ज़रूर लेके आता, लेकिन मेरे लैडर में आज तक हॉग साइकिल के अलावा कुछ नहीं इस्तेमाल हुआ। सारा हॉग साइकिल हॉग साइकिल हॉग साइकिल है, ये बाकी सारी फ्रेंडली बैटल्स हैं। तो क्लैन वॉर क्या चल रहा है आज, हम किस नंबर पे आए हैं क्लैन वॉर पे? ओहो, हम क्लैन वॉर में भी बहुत पीछे हैं। मैं फिर करता हूँ सारा कुछ, और आज की वीडियो बस इसी पॉइंट पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।